गुड इवनिंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लोटिंग। क्लोटिंग की पूरी प्रोसेस, क्लोटिंग कैसे होती है, प्लस क्लोटिंग की जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स या कारक जो है वो उसमें भाग लेते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लोटिंग फैक्टर्स की यहाँ हम सबसे पहले बात करें तो जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो टोटल 13 या 13 होते हैं जो क्लोटिंग प्रोसेस में या क्लोटिंग की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं ये सारे के सारे लीवर में या यकृत में इनका संश्लेषण या सिंथेसिस किया जाता है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने यहाँ नहीं लिखी है, आप नोट कर ले कि ये जो क्लोटिंग फैक्टर है इनके संश्लेषण या सिंथेसिस के लिए विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है या आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके अलावा जब भी इन क्लोटिंग फैक्टर्स को लिखते हैं तो इनको हमेशा रोमन नंबर से इनको डिनोट किया जाता है या लिखा जाता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज कि कई बार देखने को मिलता है कि जो क्लोटिंग है वो ब्लड वेसल के अंदर भी हो जाती है। ये जो थक्का बनता है या ये जो क्लोटिंग ब्लड वेसल के अंदर होती है ये मेनली दो टाइप के क्लोटिंग देखने को मिलती है या ये थक्के जो होते हैं वो दो टाइप के बनते हैं। यहाँ पे मैंने दो लिखे हैं, थ्रोम्बस क्लोट और एम्बोलस क्लोट। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रोम्बस क्लोट की। ये जो क्लोट होते हैं या ये जो थक्के होते हैं ये ज्यादा डेंजरस होते हैं या ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, क्योंकि एक तो ये स्थिर होते हैं, ये जहां बनना शुरू होते हैं ये वहीं पर ही रहते हैं, प्लस ये लगातार अपनी साइज में ग्रोथ करते रहते हैं या अपनी साइज में हमेशा ये बड़े होते रहते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब ये ब्लड वेसल या रक्त वाहिनी को अवरुद्ध कर देते हैं या उसे बंद कर देते हैं। ठीक है, कई बार अगर ये जो थ्रोम्बस क्लोट है ये अगर हार्ट की किसी आर्टरी के अंदर अगर बन जाता है तो इसे कोरोनरी थ्रोम्बस कहते हैं, और इसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो हार्ट अटैक होता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर ये जो थ्रोम्बस क्लोट है ये ब्रेन में अगर बन जाए तो ये पैरालिसिस या लकवा कर सकता है। सेकंड, अगर हम बात करें एम्बोलस क्लोट की तो ये थ्रोम्बस क्लोट की तुलना में कम हानिकारक होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये गतिशील या ये मोमेंट शो करते हैं, दूसरा जब ये मोमेंट शो कर रहे होते हैं तो एक टाइम बाद में ये साइज में बड़े होने की बजाय उल्टे साइज में छोटे होते हुए धीरे धीरे ब्लड में ही घुल जाते हैं, तो ये इतने ज्यादा हानिकारक नहीं होते हैं। नेक्स्ट, यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्लोटिंग के अंदर जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके नाम क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला फैक्टर है वो है फाइब्रिनोजन। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया इनको हमेशा रोमन जो नंबर है उससे ही शो करते हैं। सेकंड जो हमारा यहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर है वो है प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड है थ्रोम्बोप्लास्टिन। जो क्लोटिंग की प्रोसेस होगी उसमें हम सारे फैक्टर्स का रोल तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हीं का ही रोल हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फोर्थ इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कैल्शियम। ठीक है, जो क्लोटिंग की प्रोसेस है या क्लोटिंग की या थक्का जमने की जो प्रक्रिया है उसमें जितने भी स्टेप्स होते हैं, जितने भी उसमें पद होते हैं, उनमें सब में जो रिएक्शन है उसमें सब में कैल्शियम को फैक्टर की तरह वहां पे प्रेजेंट होता है। यानी अगर आपको स्टेप बाय स्टेप क्लोटिंग करनी है तो आपको हर स्टेप में कैल्शियम की जो प्रेजेंस है वो जरूरी है। इसकी प्रेजेंस के बिना जो भी एंजाइम अपना काम कर रहा है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये उसका को फैक्टर है। नेक्स्ट जो है वो है प्रोएक्सिलरीन। नेक्स्ट
नेक्स्ट है एक्सिलरी, ये जो एक्सिलरीन जो क्लोटिंग फैक्टर है प्रेजेंट टाइम में इसको इनवेलिड या अमान्य बता दिया गया है। अब ये इनवेलिड या अमान्य घोषित कर दिया गया है, अब इसे क्लोटिंग फैक्टर के रूप में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, एक्सिलरीन के बाद में नेक्स्ट है प्रो कन्वर्टिंग, कन्वर्टिंग के बाद में नेक्स्ट जो है वो है एएचजी या एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन। इसका नाम शायद आपने कभी सुना हो, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन जो है आपने सुना होगा कि जो ब्रिटेन की रॉयल फैमिली है उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको हीमोफीलिया होता है, यानी उनके अंदर अगर कोई उनको अगर चोट लग जाती है बॉडी पे तो उनका क्लोट नहीं होता, उनका ब्लड जो है वो क्लोट नहीं होता, उनमें क्लोटिंग देखने को नहीं मिलती, उनका जो ब्लड है वो कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है, उसका रीजन है ये फैक्टर। ठीक है, क्योंकि उस जो रॉयल फैमिली है उसकी जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, उसके किसी भी मेंबर की अगर जेनेटिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये वाली जो जीन है जो ये फैक्टर बनाती है, ये प्रोटीन बनाती है, वो म्यूटेड है या उसमें उत्परिवर्तन हुआ है जिसकी वजह से ये प्रोटीन काम नहीं करता। तो यहाँ ये जो 13 फैक्टर टोटल हम डिस्कस करेंगे इन सब का होना जरूरी है, अगर एक भी वहां पे नहीं होता है तो प्रोटीन की प्रोसेस है वो रुक जाएगी कहीं ना कहीं। तो जो ब्रिटेन की रॉयल फैमिली है या जो शाही परिवार है उसमें हीमोफीलिया है, और हीमोफीलिया का मतलब होता है कि अगर उनकी बॉडी पे कहीं पे भी चोट लग जाती है तो ब्लड क्लोट नहीं बनता है, उनका उनकी लास्ट में डेथ हो जाती है ओवर ब्लड फ्लो की वजह से, उसका रीजन ये फैक्टर है, उसकी उस पूरी फैमिली के मेंबर्स के अंदर ये जो फैक्टर है वो नहीं है, म्यूटेशन हुआ है। और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है तो ऑब्वियसली बात है जैसे जेनेटिक स्ट्रक्चर पहले की है नेक्स्ट जनरेशन में भी वही जाएगी, तो ये इसकी वजह से रॉयल फैमिली में जो है वो हीमोफीलिया है, तो इसको भी यहाँ पे साथ में आप मेंशन कर ले इस पॉइंट को भी। उसके बाद में नेक्स्ट है क्रिसमस फैक्टर, इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है स्टुअर्ट फैक्टर, और इसके बाद में जो 11 नंबर का है वो है पीटीए प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। नेक्स्ट है हेगमैन फैक्टर, ये जो फैक्टर है हेगमैन फैक्टर ये तब एक्टिवेट होता है जब हमारी स्किन किसी चीज से रब होती है या रगड़ उसके लगती है, घर्षण जब होता है तब ये फैक्टर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और सबसे लास्ट जो फैक्टर है वो है एफएसएफ, FSF या फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये टोटल 13 फैक्टर है जो क्लोटिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये होगा कि क्लोटिंग की प्रोसेस क्या है, क्लोटिंग कैसे होती है, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो क्लोटिंग की जो प्रक्रिया है या जो क्लोटिंग की प्रोसेस है उसके बारे में सबसे पहले जो डिटेल में हमें बताया था वो थे मैकफार्लेंस और उनके साथी लोग।
ठीक है। क्लोटिंग की जो प्रोसेस है वो मेनली तीन स्टेप में कंप्लीट होती है, जिसमें सबसे पहली जो स्टेप है वो है रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना। ये कैसे होता है? जब भी कोई टिश्यू डैमेज होता है या हमें चोट लगती है, तो जो डैमेज टिश्यू होता है या जो क्षतिग्रस्त उत्तक होता है उससे एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन इफेक्टर रिलीज होता है। और इसे के साथ ही जो ब्लड में प्लेटलेट्स प्रेजेंट है ये एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, जब भी हमें चोट लगती है, हमारा कोई उत्तक या टिश्यू क्षतिग्रस्त होता है या डैमेज होता है, तो जो डैमेज टिश्यू होता है उससे एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है और जो प्लेटलेट्स होती है हमारे ब्लड की वो एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन वो रिलीज करती है। तो नेक्स्ट जो इस स्टेप के अंदर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये होगा कि ये जो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन है ये कन्वर्ट होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन में, और ये ऐसा होगा एक प्लाज्मा प्रोटीन एंड कैल्शियम की प्रेजेंस में। कैल्शियम के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर स्टेप में जो कैल्शियम है वो एंजाइम के साथ में कोफैक्टर या सहकारक के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे जो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कैल्शियम के प्रेजेंस में प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में रिएक्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्रोथ्रोम्बिनेज, इसे प्रोथ्रोम्बिनेज भी कहते हैं। ठीक है, तो जो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों ही प्लाज्मा प्रोटीन की प्रेजेंस में और कैल्शियम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन या प्रोथ्रोम्बिनेज के अंदर। ठीक है, और ये जो एंजाइम यहाँ पे बना है थ्रोम्बोप्लास्टिन बोले या प्रोथ्रोम्बिनेज इसको बोले, ये जो होता है वो एंटी हिपेरिन होता है। ये जो एंजाइम यहाँ पे बना है ये एंटी हिपेरिन है। हिपेरिन का काम हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये ब्लड को क्लोट होने से रोकता है, तो यहाँ पे ये एंटी हिपेरिन है, ये हिपेरिन को काम करने से रोकता है, यानी ये क्लोट बनने की प्रोसेस को बढ़ा रहा है, इसको रोक करके ये क्लोट बनने की प्रोसेस को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन या जो प्रोथ्रोम्बिनेज होता है वो एंटी हिपेरिन होता है क्योंकि ये हिपेरिन को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट जो स्टेप होगी वो है जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। तो ये क्लोटिंग की जो प्रोसेस है उसकी सेकंड स्टेप है। तो जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की प्रेजेंस में। अभी जो फर्स्ट स्टेप में एंजाइम बना था प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन जो एंजाइम बना था उसकी प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। ये होगा एंजाइम
थ्रोम्बोकाइनेज की प्रेजेंस में। ये जो एंजाइम हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर इसको एक्टिवेट किया था, ये इसको रिलीज किया था, ठीक है। इसके बाद में थर्ड स्टेप जो है वो है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में कन्वर्ट होना। थर्ड स्टेप जो है उसमें जो फाइब्रिनोजन है ये फाइब्रिन प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है वो सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है, और फाइब्रिन प्रोटीन जो है वो इनसोल्यूबल है, ये अघुलनशील है, ये घुलनशील है, ये अघुलनशील है, और ये फाइबर फॉर्म में होता है। नाम से भी थोड़ा सा इंडिकेशन मिल रहा है, फाइबर फॉर्म में होता है, और जहां क्लोट बनता है या जहां चोट लगती है वहां पे ऐसे जालनुमा संरचना का ये निर्माण करता है या वेब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन ये करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये फाइब्रिनोजन जो है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट कैसे हुआ। तो इसका आंसर ये है कि इस स्टेप ने हमने जो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाया है, ये थ्रोम्बिन इस स्टेप के लिए एंजाइम का काम करेगा और फाइब्रिनोजन जो है उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। फाइब्रिनोजन जो है एक सोल्यूबल प्रोटीन है या घुलनशील प्रोटीन है, जबकि फाइब्रिन जो है वो अघुलनशील प्रोटीन है, और जो फाइब्रिन है वो फाइबर या तंतुनुमा होता है जो चोट लगे हुए स्थान पर या घाव जहां पर होता है वहां पर नेट जैसी या वेब जैसी जालीनुमा एक संरचना का निर्माण करता है जिससे ब्लड का बहना रुक जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो फाइब्रिन है वो तो जैसे ही फाइब्रिन प्रोटीन बनता है इसका पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण है वो स्टार्ट हो जाता है और सारे जो फाइब्रिन फाइबर है या जो प्रोटीन फाइबर है ये सारे के सारे आपस में जुड़ करके नेट जैसी स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। और ये इससे पूरा जो घाव है या पूरा जो वाउंड है पूरा कवर हो जाता है, ठीक है। इससे होता क्या है कि ये जो नेट लाइक स्ट्रक्चर बनी है या ये जो पॉलीमराइजेशन यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे ये जो बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन हुआ है, इसके होने का बेनिफिट ये होता है कि जो ब्लड में बड़े साइज के जो कार्पसल्स है या जो कणिकाएं हैं वो अब इससे छन करके बाहर नहीं आ सकते, ये इतना बारीक होता है, ये आपस में जुड़ करके एक छोटा सा जालीनुमा या चलनी जैसी स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेती है, पॉलीमराइजेशन शो कर लेती है, जिसकी वजह से बड़े साइज की जो प्रोटीन होती है वो सॉरी जो कार्पसल्स या कणिकाएं लाइक आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स है वो छन करके बाहर नहीं आ सकती, ठीक है। और ये जो पॉलीमराइजेशन की जो प्रोसेस है ना, यहाँ पे जो फाइब्रिन प्रोटीन जो है जो पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण की जो प्रोसेस शो करता है इसी को ही क्लोटिंग कहा जाता है। तो क्लोटिंग की ओवरऑल डेफिनेशन क्या है, जब फाइनली फाइब्रिन प्रोटीन बनता है, बनने के बाद में पॉलीमराइजेशन शो करता है उसी को ही क्लोटिंग कहा जाता है। और इस स्टेप तक पहुंचने के लिए हमें ये सारी स्टेप्स जो है वो क्रॉस करनी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और, जब क्लोटिंग हो जाती है या ये नेट जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाती है तो ब्लड का बाहर निकलना तो रुक जाता है, लेकिन इससे एक हल्का सा येलो कलर का जो लिक्विड है या तरल है वो यहाँ से लीक होता रहता है। इस येलोइश या येलो कलर के इस लिक्विड को सीरम कहा जाता है, ठीक है, ये नाम भी आपने सुन रखा है। क्लोटिंग के बाद में जब एक हल्का ब्लड की बजाय एक हल्का पीले रंग का पदार्थ लगातार बाहर निकलता रहता है या लीक होता रहता है, ये हालांकि काफी लंबे टाइम तक नहीं होता, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए या छोटे टाइम के लिए ही होता है, ठीक है। तो ब्लड में से अगर प्लाज्मा बाहर या सॉरी कार्पसल्स बाहर निकाल दे, कणिकाएं बाहर निकाल दे, तो जो बचता है वो है प्लाज्मा, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और प्लाज्मा में से
जो बड़े साइज की प्रोटीन है जैसे फाइब्रिनोजन है और सारे के सारे फाइब्रिनोजन है, अगर वो अलग कर दें तो पीछे प्लाज्मा का जो पार्ट बचता है उसी को ही सीरम कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा क्लोटिंग का टॉपिक। इसके बाद में नेक्स्ट हम सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेशन पढ़ेंगे कि ब्लड जो है वो कैसे किस पाथ में सर्कुलेट होता है, हार्ट जो है वो अपना काम कैसे करता है, हार्ट बीट क्या होती है, ये सारी चीजें जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स फॉर ऑल टुडे।